श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही गुरुवार को एक माह तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की शुरुआत भी हो गई है। इसको लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज जगैबीनाथ धाम स्थित नमामि गंगे जहाज घाट पर जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। श्रावणी मेला का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के प्रभारी मंत्री राम सूरत राय, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन समेत के सांसद, विधायक और जिला परिषद के चेयरमैन आनंद कुमार उर्फ टुनटुन शाह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान आयोजन समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भागलपुर समेत कई जगहों से आए गायक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से माहौल पूरी तरह शिवमय बना दिया। वहीं उत्तर वाहिनी गंगा तट पूरा सुल्तानगंज और कांवरिया पथ बोल बम और भगवान शिव के नारों से गूंजता दिखा। बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी और मंदिरों के पट बंद होने के कारण सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कोविड गाइडलाइन के कारण सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार सरकार की अनुमति पर भव्य रूप से श्रावणी मेला की तैयारी की गई है। जबकि उत्तर वाहिनी गंगा तटों पर कांवरियों की भारी भीड़ भी जुटने लगी है, जहां से कांवरिया गंगा जल भरकर बाबा नगरी देवघर वैद्यनाथ मंदिर के जलाभिषेक के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने समस्त बिहार वासियों को श्रावणी मेला की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार श्रावणी मेला के सफल संचालन और कांवरियों की सुविधा के लिए हर स्तर पर तैयारी कर रही है, जिससे देश विदेश से आने वाले शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, DIG विवेकानंद, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP बाबूराम समेत जिला और प्रखंड के कई पदाधिकारी, कर्मी और भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। यहाँ पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान ध्यान के बाद कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा वैद्यनाथ नगरी की ओर पैदल प्रस्थान करेंगे। मित्रों, आज विगत 2 वर्षों के बाद श्रावणी मेला का शुभारंभ गंगा के इस पावन तट पर प्रारंभ हुआ है। कोरोना संक्रमण के कारण जो पूरी वैश्विक परिस्थितियां बनी थी, उसके कारण हम सब इससे कहीं ना कहीं वंचित हो गए थे, लेकिन भगवान शिव की आराधना जो सुल्तानगंज के गंगा नदी के इस किनारे प्रारंभ होती है, और यह आराधना बगल के झारखंड के बाबा वैद्यनाथ में समाप्त होती है, और यह कांवड़ लेकर जब हमारे शिव भक्त लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर इस आध्यात्मिक और रोमांचित यात्रा पर निकलते हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में, उनके तन में, उनके जीवा में शिव ही शिव होता है। कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत लकमा पंचायत के चकफुसका गांव निवासी स्वर्गीय सुरेंद्र मंडल की पत्नी 55 वर्षीय दोपत्री देवी की अपराधियों ने गुरुवार की सुबह गोली मार कर हत्या कर दी। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह और कहलगांव थाना प्रभारी श्रीकांत भारती घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इसको लेकर मृतका के परिजन पवन मंडल ने बताया कि अपराधियों ने उसकी भी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन जब वह अपने घर से लाठी लेने गया तभी हमला करने वाले उमेश मंडल ने द्रौपदी देवी के कनपट्टी में गोली मार दी। जबकि इस दौरान उमेश मंडल की पत्नी रंजना देवी, पुत्र प्रमोद मंडल और रंजीत मंडल ने भी मिलकर मृतका की हत्या कर दी। पवन मंडल ने बताया कि 5 वर्ष से उन लोगों के बीच जमीन विवाद चल रहा था, जिसको लेकर द्रौपदी देवी की गोली मार कर हत्या कर दी गई। इधर इस मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आगे की छानबीन जारी है। सर, मेरे सामने तो फिर हत्या हुई है। मेरे सामने हत्या हुई कि हम अपना घर में झाड़ू लगा रहे थे, ये अपना झाड़ू लगा करके कैसे कैसे क्या क्या कर रहा था, तो उस जगह में उमेश मंडल, प्रमोद मंडल और रंजीत मंडल, उसका पत्नी रंजो देवी, ये सर जो है आकर के उनके साथ क्या बात कर रही थी, नहीं कर रही थी, कोई जोर शोर शराबा नहीं हो रहा था।
लेकिन अचानक में इन लोगों का क्या मंशा था ये हम नहीं बता सकते हैं। जब उनको खींच खाच करके जब बाहर मतलब वो बायजबरन बचने के लिए जब बाहर निकलने का कोशिश किया तो मेरी पत्नी दरवाजे पर थी तो वो हमको बोला तो हम आंगन से झाड़ू को छोड़ करके आए। जब जब तक आते आते हमको यहाँ जब आए तो आने के समय में हमने उनको एक दो को गाली भी पक्का कि काहे मार रहा है साला मैंने ठेठी भाषा में अपने भाषा में उनको एक दो को गाली भी दी। लेकिन उमेश मंडल जो है हमको मारने के लिए वो अपने अपने मतलब वो भाषा में खोपड़ी में ढूक करके लाठी निकालने लगा। तो सर हम बचने के लिए लाठी लेने के लिए इधर दौड़े तब तक 10 कदम आगे हुए थे। इसी में इतने समय में उनका जो है मतलब उनको गोली का आवाज़ हुआ। बिहार में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 500 से ज़्यादा नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसमें से सबसे अधिक पटना से 219 नए केस मिले हैं, जबकि भागलपुर में 89 केस मिलने से हड़कंप मच गया। पटना एम्स में कोरोना से 45 साल की महिला की मौत हो गई है। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2500 से अधिक हो गई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ रहे संक्रमण का कारण ओमिक्रॉन का ही कोई नया सब वेरिएंट हो सकता है। इधर प्रदेश भर में सभी 18 से 59 साल के वयस्क को निशुल्क कोरोना का तीसरा टीका लगाया जा रहा है। यह टीका दूसरे टीके के 9 महीने बाद या कोरोना से ठीक होने के 3 महीने के बाद लगाया जाता है। इधर भागलपुर जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से कोरोना धीरे धीरे पांव पसारने लगा है। शुरुआती दिनों में 2 से 5 लोग ही संक्रमित हो रहे थे, लेकिन यह संख्या अब तेजी से बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ ज्यादातर लोग लापरवाह हो गए हैं, वे कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान भी नहीं चलाया जा रहा है। पहले लोग जुर्माना के डर से मास्क लगाकर निकलते थे, लेकिन अब मास्क पहनना ही भूल गए हैं। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना जाँच नहीं हो रही है। रेलवे स्टेशन पर जाँच टीम रहती है तो यात्री जाँच करवाने से कतराते हैं। केवल अस्पताल में इलाज करवाने आने वाले मरीजों की जांच की जा रही है। कोरोना वैक्सीन लेने में भी लोग आनाकानी करने लगे हैं। इधर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के कोरोना वार्ड में मरीजों को भर्ती तो किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण उनके परिजन परेशान हैं। मायगंज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार दास और सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने लोगों से कोरोना जाँच कराने में सहयोग और मास्क पहनने की अपील की है। साथ ही कहा कि जिन लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है वे टीका जरूर लगवा लें। धोरैया प्रखंड अंतर्गत चलना गांव स्थित प्राथमिक मध्य विद्यालय में विकासशील सेवा संस्थान की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्लोबल ब्लड सेंटर भागलपुर के चेयरमैन मोहम्मद बाजिद अंसारी, चलना पंचायत समिति सदस्य रेशमी कुमारी और आबिद हुसैन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में 25 लोगों ने रक्तदान किया, जबकि इस दौरान झारखंड के गोटा अंतर्गत छपरा पंचायत के मुखिया मोहम्मद आलमगीर आलम, खिदमत खल्क ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद गुलफराज आलम और हजरत अली ने भी अपनी ओर से सहयोग प्रदान किया। वहीं इस दौरान सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, टी शर्ट और बूके देकर सम्मानित किया। इधर शिविर में पहुंचे लोगों को निशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवा देकर स्वास्थ्य और रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। वहीं इस दौरान डॉक्टर दानिश मंजर एवं डॉक्टर तमन्ना ने बताया कि कोरोना काल के समय से ही ब्लड बैंक में खून की काफी कमी हो गई है, जिसको लेकर एक अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे विपरीत परिस्थिति में रक्त की कमी से परेशान मरीजों को खून उपलब्ध हो सके। डॉक्टर दानिश ने शिविर में सहयोग करने वाले सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि आगे भी इस तरह के सामूहिक प्रयास से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। मौके पर विकासशील सेवा संस्थान के सचिव सलाहुद्दीन अंसारी, राजकुमार दास, सोएब रशीद, अजय यादव समेत कई संस्थान के सदस्य और लोग मौजूद रहे। उद्देश्य हमारा है कि गांव-गांव ग्रामीण एरिया में लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना। ये पिछले कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं और हमारा साथ देने में बहुत सारे सामाजिक लोग हैं, जैसे गुलफराज भाई है और हमारे ग्रामीण के विकासशील सेवा संस्थान के सारे सदस्य आज यहाँ पे मौजूद है रक्तदान में लोगों को जागरूक करने के लिए, और भारी मात्रा में लोग रक्तदान करने के लिए भी आ रहा है। आज मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने पिछले 22 साल पहले जो सोचा था कि ग्रामीण एरिया में रक्त की कमी है, जिसमें लोग खून बोलते ही डर जाता था, आज वो दिन आ रहा है जो कि लोग
रक्तदान के प्रति बढ़ रहे हैं।